जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपने अपनी व्हीकल को बेच दिया और ख़रीदार जो है वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, यानी कि जो आपकी गाड़ी है वह आपके नाम पर ही अभी भी है और आप चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाए, बट जो आपका गाड़ी का ख़रीदार है वो ऐसा नहीं कर रहा है। गाड़ी आपने बेच दिया और गाड़ी लेकर वो रफू चक्कर हो गया, यानी कि वो गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं करवा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा, लीगल प्रोसीजर बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं ये जो है ये आपको 3 स्टेप में बताने वाला हूँ आगे चल के। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, लास्ट तक, बीच में स्किप ना करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। किसी और वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा जानकारी लेने के लिए, इस वीडियो में डेडिकेटेड पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना है। आज के इस वीडियो को मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन इस विषय पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गाड़ी हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, गाड़ी खरीद लिया बायर और आपको इससे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी आपको चाहिए हो तो। हाँ, ये बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको जानकारी देते हैं। देखिए जी, अगर गाड़ी आपने बेच दी तो आपको जो है वो 15 दिन के बाद में RTO में जाकर जानकारी देनी पड़ती है आपने गाड़ी बेच दी है, और ये 30 दिन का डेडलाइन पीरियड होता है कि 30 दिनों में आपकी गाड़ी को ट्रांसफ़र कर ही देना चाहिए, आपके नाम से वो हट जानी चाहिए अगर आपने बेच दिया है तो। क्योंकि अगर आप जो एक ग्रेस पीरियड है 30 दिनों का, इसके बाद में भी अगर गाड़ी ट्रांसफ़र आपके नाम से नहीं होती है और गाड़ी आपके पास नहीं है, तो जिसके पास गाड़ी है खुदा न खास्ता अगर उससे कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केस बन गया, या फिर किसी जान माल की हानि हो गई किसी व्यक्ति की, तो वो पूरी जो लायबिलिटी होती है, जिम्मेवारी, वो कसूरवार आप ही माने जाएंगे क्योंकि गाड़ी तो आप ही के नाम पर है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। चालान भी कटता है तो 2 चालान वहाँ पर कट जाते हैं, एक तो जो गाड़ी चला रहे हैं कि जो गाड़ी ख़रीदा है उसको भी चालान भुगतना पड़ता है, साथ साथ आप भी फंस जाते हैं क्योंकि गाड़ी तो आप ही के नाम पर है RC, तो इसलिए आपको भी चालान भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए गाड़ी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर गाड़ी आपने बेच दी है तो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 30 दिनों के बाद में आपके ऊपर जुर्माना पेनाल्टी लग सकती है अगर उससे कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है या उसका चालान कटता है तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप अपने जो जिसको आपने गाड़ी बेची है उससे जाकर आप मिल लीजिए, अगर वो कॉन्टैक्टेबल हो तो, यानी कि आप उससे मिल सकते हैं तो उससे पहले तो आपको मिलना चाहिए और मिल के आपको पूरी बात को क्लियर बताना चाहिए कि इससे आपका भी नुकसान है और हमारा भी, अगर गाड़ी आप ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे ओनरशिप तो, चाहे वो कार की हो या बाइक की हो या कोई भी कमर्शियल व्हीकल भी हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उससे बात करें। अगर वो वहाँ पर इन टच हो ही नहीं रहा है, यानी कि आपके टच से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है, गाड़ी लेकर फरार हो चुका है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लीगल प्रोसीजर का, सबसे पहला स्टेप अब आपको यहाँ से लीगल प्रोसीजर अख्तियार करना होगा क्योंकि आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो व्यक्ति भी नहीं चाह रहा है कि जो है वो गाड़ी हमारे नाम पर आए। तो सबसे पहले लीगल स्टेप में आपको जो प्रोसीजर है उसमें स्टेप नंबर 1 है कि आपको वार्निंग लेटर इशू करना है। तो जो है वार्निंग लेटर जो होता है वो जाता है सीधे ख़रीदार को, यानी कि जो बायर होता है आपकी गाड़ी का, उसी के नाम पर इशू करें और बाकायदा डेट और उसमें सब कुछ अपनी प्रॉब्लम वगैरह शेयर करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है, गाड़ी आप चाहते हैं ट्रांसफ़र करना, उसकी वजह से गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, यानी कि बायर नहीं करवा रहा है, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, लिखें वार्निंग लेटर, उसको आप इशू कर दीजिए, ठीक है। अब उस वार्निंग लेटर की आप एक प्रति अपने पास रखिए, एक प्रति जो है वो उसको भेज दीजिए उस बायर को, ये एक काम हो गया। अब पहला, अगर यहाँ से वो मान जाता है बायर तो अच्छी बात है, अगर गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लेता है तो। अब किसी किसी केस में होता क्या है कि वहाँ पर बायर फिर भी नहीं मौके पर आता है गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो दूसरा यहाँ पर लीगल प्रोसीजर में स्टेप नंबर 2 है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लीगल नोटिस को इशू करवाएंगे। अब ये सेकंड स्टेप है लीगल प्रोसीजर का, गाड़ी को ट्रांसफ़र अगर नहीं करवा रहे खरीदार तो गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लीगल प्रोसीजर में उस वाहन जो गाड़ी का आपका ले गया है, यानी कि जो ख़रीदार है गाड़ी ले गया है, उसके नाम पर आप करेंगे लीगल नोटिस इशू। तो लीगल नोटिस में भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए कि वहाँ पर धोखाधड़ी आपके द्वारा आपके आपके साथ की जा रही है और वहाँ पर ख़रीदार जो है बिल्कुल ही
लायर है, झूठा निकला और गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है। फ्यूचर में अगर इस गाड़ी से कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई चालान कटता है या कोई मिसलेंडिंग एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी इस गाड़ी के थ्रू होती है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। उसमें ये बकायदा मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिएगा बिल्कुल लीगल नोटिस में। उस नोटिस को आप अपने प्रति एक प्रति अपने पास रखिएगा, एक प्रति वहाँ पर भेज दीजिए उस बायर को जिसने गाड़ी को ख़रीदा है। अगर वो कॉन्टैक्टेबल नहीं है तो उसका कोई भी आप जो एड्रेस होगा, वो चाहे वो करंट एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस हो, उसके नाम पर इशू ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर इसी की लीगल नोटिस की एक वहाँ पर कॉपी आप ले जाकर अपने आरटीओ ऑफिस में विजिट करके दे दीजिए, और इसी के साथ में एक कॉपी आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। लेकिन इसकी चार प्रति हो गई जी, एक प्रति तो आप अपने पास रखिए, एक बायर के पास, एक आरटीओ में, एक लोकल पुलिस स्टेशन में, तो चार इसकी कॉपीज़ करवा लीजिए लीगल नोटिस की और सभी जगह सबमिट कर दीजिए। जो मैंने बताया वो चीज़ें सब कुछ लिख दीजिएगा कि गाड़ी से कोई भी मिला लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस गाड़ी को ट्रांसफ़र करना, बट बायर ही नहीं चाहता है गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना। ठीक है, लीगल नोटिस आपने इशू कर दिया। अब यहाँ तक अगर आपका बायर के पास ये संदेशा पहुँचा और उसने देखा होगा, तो अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपके पास आएगा। अब यहाँ तक आपने कर दिया कार्रवाई स्टेप नंबर टू में लीगल प्रोसीजर में, फिर भी वो नहीं आ रहा है गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके पास सबसे सॉलिड थर्ड स्टेप में चलते हैं लीगल प्रोसीजर के, वो स्टेप आपके पास है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि आपने वार्निंग नोटिस इशू करवा दिया, वार्निंग लेटर, लीगल नोटिस इशू कर दिया, फिर भी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो आप क्या करें, आपको करना है कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में विजिट करिए। स्टेप नंबर थ्री की बात बता रहा हूँ, लोकल पुलिस स्टेशन में विजिट करिए, वहाँ पर जाइए और अपनी गाड़ी की थेफ्ट रिपोर्ट फाइल करवा दीजिए, FIR दर्ज करवाइए कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। अब यहाँ से आप क्या होगा कि जैसे ही आप FIR लॉन्च करवाएंगे कि आपकी व्हीकल चोरी हो गई है, क्योंकि गाड़ी तो आप ही के नाम पर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो आप ही के नाम पर है, तो गाड़ी के असली मालिक तो आप ही हैं, तो आप वहाँ पर FIR दर्ज करवाइए कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। तो वहाँ से क्या होगा कि पुलिस आपकी गाड़ी को खुद ढूंढेगी, उसको बरामद करेगी, गाड़ी को इम्पाउंड करके सीज कर देगी। अब यहाँ से क्या हुआ कि गाड़ी हो गई सीज, वो चली गई आपके पुलिस स्टेशन थाने में, वहाँ पर पड़ी हुई है। अब अगर यहाँ पर उस ख़रीदार को ये लगेगा कि मैंने इतने पैसे देकर गाड़ी ली और मेरी गाड़ी को पकड़ी गई, चोरी हो गई का केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, वो खुद ही दौड़ा दौड़ा आएगा पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए, और जब वो आएगा तो वो आपके सामने भी आ जाएगा, पुलिस वालों को भी सामने आ जाएगा, और तब वह गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए RTO जाएगा, ट्रांसफ़र भी करवाएगा और पैसे देकर अपनी गाड़ी भी छुड़वा कर ले जाएगा। नहीं ले जाता है तो आप तो वहाँ पर झमेले से, झंझट से मुक्ति पा गए, क्योंकि अगर गाड़ी एक बार पकड़ी गई और वहाँ पर वो सीज करके रख दी गई थाने में, तो उसको आप चाहें तो वहीं पर पड़े रहने दीजिए, क्योंकि वो चलेगी ही नहीं, तो कहाँ से केस बनेगा, कहाँ से चालान कटेगा, इससे तो आप झंझट से मुक्त हो जाएंगे, ना ही कोई एक्सीडेंट होगा उससे। और अगर आप वह बायर उस गाड़ी को कभी छुड़ाने ही नहीं आता है एक दो महीने तीन महीने तक, तो आप जाकर उस गाड़ी को छुड़वा लीजिए, क्योंकि असली मालिक तो आप ही हैं गाड़ी के, जब तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो आपके पास सॉलिड विकल्प मौजूद है, आप तीसरा स्टेप जरूर फॉलो करिएगा। अगर दो स्टेप में काम नहीं आपका होता है तो ये तीसरा बोनस स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इससे तो ज़रूर ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ तक आपको कार्रवाई कर देनी है। ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें करने के साथ जो आप लेटर इशू करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप में जो आप लीगल नोटिस इशू करवाएंगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट का इंक्लूड करना मत भूलिएगा। और ये डॉक्यूमेंट तभी आपके पास होगा जब आप गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे थे, गाड़ी बेच रहे थे, तब वहाँ पर आपको प्राप्त करने होते हैं उस बायर से, क्योंकि उसमें उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इंक्लोज्ड करना है आपको लीगल नोटिस में जब आप देते हैं RTO में, पुलिस स्टेशन में, या फिर उस बायर को, तो उसमें डॉक्यूमेंट का इंक्लोज इंक्लूड करिएगा। सबसे पहला है सेल लेटर, ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। डिलीवरी नोट फ्रॉम बायर, यानी कि गाड़ी कब अपने सुपुर्द की, उसको कब दी, उसके सिग्नेचर वगैरह हो, डेट और टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए डिलीवरी रिपोर्ट में। डिलीवरी नोट फ्रॉम बायर, वार्निंग लेटर जो आप इशू करते हैं उसकी एक कापी भी लगेगी। उसके बाद सेल एग्रीमेंट जो होता है, गाड़ी वगैरह कैसे आपने बेची, कब बेची, कितने की बेची, वो सब। और एक होता है पेमेंट का प्रूफ, यानी कि जो आपने पेमेंट प्राप्त की है बायर से, उसका भी एक प्रूफ होता है, तो वो भी अपने पास रखिए। ये टोटल चार डॉक्यूमेंट्स हैं
पांच डॉक्यूमेंट है, इन पांचों डॉक्यूमेंट को आपको पास रखना है और यही आपको आपका हक दिलाएंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो ये पांचों डॉक्यूमेंट हो तो बहुत ही बेहतर हो जाता है और आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाती है इस केस में। तो यहाँ पर ये पांचों डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बार फिर दोहरा देता हूँ, सेल लेटर, डिलीवरी नोट और वार्निंग लेटर, सेल एग्रीमेंट या प्रूफ ऑफ पेमेंट्स। तो ये पाँचों डॉक्यूमेंट ज़रूर इंक्लूड करिएगा उस सेल लेटर के साथ, लीगल नोटिस के साथ में जब आप इशू करवाएं तो सेकेंड स्टेप वाले में। तो ये है पूरी जानकारी। यहाँ तक अगर आपने कार्रवाई कर दी तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो अभी भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो यहीं पर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, फिर पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए वहाँ पर भी जुड़ के पूछिए, टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं, ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन वहाँ भी मिलता है। और इंस्टाग्राम पर तो सबसे बेहतर तरीका है, डायरेक्टली जुड़कर फॉलो करिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। और ट्विटर पर अपनी समस्याओं को लेकर हमें टैग कर दीजिए, आप सभी जगह हम अवेलेबल हैं। फेसबुक पेज पर भी आप जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ आपको ईजीएस्ट लगे, बट मैं प्रेफर करूँगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो का वैल्यूएबल लगी हो जानकारी कोई आपका, यहाँ पर आपको अच्छी लगी जानकारी और वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करिएगा इस वीडियो को सभी लोगों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मिल दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।